are going to study about the next or last kingdom of Whitaker classification, that is kingdom Animalia. Characteristic feature. When we study about the characteristic feature of Animalia, we have to remember in the mind some name of animal like dog, human. हम एग्जाम्पल में हम खुद को ही देखते हैं, जो जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग के अंदर है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे. एज फॉर एग्जाम्पल मल्टी सेलुलर यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. हम लोग कैसे हैं, यू कैरियोटिक मीन्स की वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस फाउंड होता है, दे आर कंसिडर्ड अंडर यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. डू नॉट कंटेन सेल वॉल, हम लोगों में सेल वॉल नहीं होगा. सेल वॉल किसका कैरेक्टर है, तो प्लांट का. हेटरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि हम लोग अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. मोटाइल होंगे, यहाँ पे मोटाइल के साथ मैंने मोस्टली लिखा है, यानी कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म एनिमेलिया में आएंगे जो क्या होंगे, नॉन मोटाइल है, जो मूव नहीं कर सकते हैं. एंड द स्पेशल कैरेक्टर दैट इज प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम. हम लोग क्या होंगे, काफी सेंसरी होंगे किसी भी चीज के लिए, तो इसी क्यों, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, नर्वस सिस्टम है. नाउ किंगडम एनिमेलिया क्लासिफाइड इन 10 मेजर फाइला, पोलिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्क्लेहेलमिंथस, एनिलेटा, ऑर्थोपोडा, मोलुस्का, इकिनोडर्मेटा एंड कोर्डेटा. अगर हम कहें कि ये 9 क्लास जो है, जो 9 फाइला है, इसको हमने रखा है इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में, यानी कि नॉन कोर्डेट्स की कैटेगरी में, और ये जो है वो बाद बाकी जो 10वां फाइलम है उसको हमने किस में रखा है, कोर्डेटा में. क्यों, क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉल्यूम प्रेजेंट होंगे, और इन सभी में जो 9 अभी तक फाइला हमने देखा है इससे पहले कोर्डेटा को छोड़ के, वो कैसे होंगे, नॉन कोर्डेट्स होंगे. दैट मीन्स की देर इज एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉल्यूम इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म. नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑल दीज फाइला वन बाय वन. So the animal kingdom is divided into two group, invertebrate and vertebrate. In invertebrate we include 9 phylum, and in vertebrate we include chordata. Invertebrate is also known as non-chordata because there is absence of notochord. Vertebral column जो backbone है वो इसमें क्या होगा, absence होगा, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, invertebrate या फिर non-chordata. फर्स्ट हम स्टडी करेंगे फाइलम पोरीफेरा. हियर वर्ड पोरीफेरा दैट मींस की पोर बियरिंग एनिमल. पोर क्या हुआ, छोटे छोटे होल हुए जो उसके पूरे बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होंगे. तो चूंकि पोर बियरिंग एनिमल्स जितने भी होंगे उसको किस फाइलम में डाला गया, पोरीफेरा. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एंड इन मल्टी सेलुलर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर, सेल लेवल पे ही होगा. मे बी लिव सिंगली और इन कॉलोनी, ये सिंगल भी रह सकते हैं या कॉलोनी के रूप में भी रह सकते हैं. नॉन मोटाइल होंगे, नॉन मोटाइल इसलिए होंगे क्योंकि ये क्या होते हैं, एक सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं. इसमें क्या है, एक केनाल सिस्टम पाया जाता है. जैसे हम देखते हैं ये साइकॉन है, साइकॉन है जिसमें छोटे छोटे होल होंगे, बहुत सारे होल होंगे, और इस होल के थ्रू क्या होगा, वाटर जो है वो एंट्री करेगा. ये छोटे छोटे होल होंगे, पूरी बॉडी पे छोटे छोटे होल होंगे, और इस होल से वाटर जो है वो एंट्री करेगा, और बीच में केनाल सिस्टम होगा वाटर के मूवमेंट के लिए, और सबसे अपर सरफेस पे जाकर क्या होगा, एक और बड़ा सा पोर होगा. ये छोटे छोटे पोर होंगे जो पूरे ऑल ओवर दी बॉडी में होंगे, जहां से वाटर इंटर करेगा और केनाल सिस्टम होते हुए फिर ये यहाँ पे जो सबसे ऊपर का ओपनिंग है इसको हम कहते हैं ऑस्कुलम. ये ऑस्कुलम सिंगल होगा जबकि ऑस्टिया छोटे छोटे होल जो है वो उसके पूरे बॉडी पे होगा, और बीच में होगा केनाल सिस्टम. ये हो गया केनाल सिस्टम. तो क्या होगा कि जब वाटर फ्लो करेगा तो फ्लो के साथ मिनरल और न्यूट्रिशन जो है वो वाटर के साथ एंट्री करेगा ऑस्टिया होते हुए. ऑस्टिया जो बहुत सारे पोर है, वाटर इंटर किया फूड के साथ, फूड इसको मिल गया, मिनरल मिल गया, फिर उसके बाद क्या होगा, ये केनाल सिस्टम में जाएगा और जितने भी इसके एक्सक्रीट मटेरियल वगैरह होंगे वो ऑस्कुलम होते हुए फिर इसके बॉडी से बाहर हो जाएगा. यानी कि इसमें कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि सिर्फ यहाँ पे कौन सा लेवल है, सेलुलर लेवल है, तो इसको जरूरत नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम की.
यहाँ पे एस्पॉन्जो सील वर्ड यूज हुआ है. सीलोम, सीलोम मतलब होता है बॉडी कैविटी. इसके बॉडी के अंदर क्या होगा, एक बड़ा सा बॉडी कैविटी है जो बॉडी उस कैविटी को कवर किए हुए है, उसी को हम कहते हैं एस्पॉन्जो सील. ये भी इसका कैरेक्टर होगा. बॉडी जो है वो कवर्ड होगी विथ हार्ड स्केलेटन से, इसके ऊपर हार्ड स्केलेटन का कवर होगा. नाउ रिप्रोडक्शन इन फाइलम पोरीफेरा, दो तरह से रिप्रोडक्शन कर सकता है ये, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी. एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा तो बर्डिंग करेगा. बर्डिंग कैसे, हमने देखा था हाइड्रा के केस में, ये अगर हाइड्रा है तो बर्डिंग क्या होगा, एक स्मॉल आउटग्रोथ हो गया और यही आउटग्रोथ धीरे धीरे इनलार्ज होगा और जब ये कैपेबल हो जाएगा सर्वाइव करने के लिए इंडिविजुअली, तो यहाँ से डिटैच होगा और इंडिविजुअली ये नए हाइड्रा का फॉर्मेशन करेगा. सेम टाइप से इसमें भी होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह से कर सकता है, बर्डिंग के थ्रू और गेम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू. गेम्यूल भी एक स्ट्रक्चर होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही होता है जो कि इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एक ही मेथड है, दैट इज फर्टिलाइजेशन. मेल और फीमेल जो गैमेट होंगे उनका फिर फर्टिलाइजेशन होगा. एग्जाम्पल क्या है, साइकॉन स्पॉन्जिला एट द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरीफेरा. सेकेंड फाइलम इज कोलेंटेरेटा या फिर निडालिया. कोलेंटेरेटा को निडालिया भी कहा जाता है. इसमें भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें टिश्यू लेवल पाया जाएगा. ये फ्रेश वाटर में लीव करते हैं, दैट मीन्स कि वैसे पानी में जो कि बहता पानी है, फ्रेश वाटर है, स्टैग्नेंट वाटर में नहीं फाउंड होंगे. सॉलिटरी यानी कि सिंगल फॉर्म में भी पाए जाएंगे जैसे कि हाइड्रा, या फिर कॉलोनी के फॉर्म में भी पाए जाएंगे जैसे कि कोरल. कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ कि इसमें दो जर्म लेयर है. हम लोग जर्म लेयर को समझते हैं कि जर्म लेयर क्या हुआ, तो जर्म लेयर कोई भी बॉडी जो है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो थ्री लेयर से ही बना हुआ है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म. पूरा जो हम लोग भी अपने बॉडी को देखते हैं वो सभी डिफ्रेंशिएट होते हैं सिर्फ तीन ही लेयर से, इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म. हमारे बॉडी में तीनों है, इक्टो, मेजो एंड इंडो, तो हम लोग डिप्लोब्लास्टिक है. लेकिन यहाँ पे मैंने कहा डिप्लो, यानी इसमें से इन तीन जर्म लेयर में से सिर्फ दो ही लेयर प्रेजेंट है. कौन कौन, तो इक्टोडर्म और इंडोडर्म, और इसी से उसके पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होगा. इक्टोडर्म का काम क्या है, तो ये आउटर स्किन को, आउटर स्किन का फॉर्मेशन करेगा, जबकि इंडोडर्म क्या करेगा, इनर लाइनिंग करेगा, उसका जो इनर जो पार्ट होगा उसको लाइनिंग करेगा, उसका फॉर्मेशन करेगा. और इन दोनों लेयर के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे मेसोग्लिया कहेंगे. मेसोग्लिया, यू हैव टू कीप दिस वर्ड इन माइंड. मेसोग्लिया, मेसोग्लिया क्या हुआ, तो मेसोग्लिया जेली लाइक सब्सटेंस होगा जो कि इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होंगे. बॉडी हैज अ गट कैविटी. गट कैविटी को क्या कहेंगे, कोलेंटेरॉन. कोलेंटेरॉन क्या हुआ कि जो बॉडी का गट है उसमें जो कैविटी है, गट कैविटी, उसी को कोलेंटेरॉन कहेंगे. विथ सिंगल ओपनिंग, इसमें कौन सा ओपनिंग है, सिंगल है, तो सिंगल ओपनिंग का मतलब क्या हुआ, इंट्री के लिए और एग्जिस्टेंस के लिए सिर्फ एक ही ओपनिंग होगा, यहाँ पे दूसरा ओपनिंग नहीं होगा. माउथ सराउंडेड बाई टेंटिकल्स. टेंटिकल्स को हम देखते हैं कि टेंटिकल्स कैसे हुआ, जैसे कि ये हाइड्रा है तो टेंटिकल्स इसके माउथ पे चारों तरफ से रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होगा. और इस टेंटिकल्स का काम क्या है, प्रे कैप्चर करना, कोई भी शिकार इसके पास आया उसको कैप्चर करना या खुद को प्रोटेक्ट करना, तो ये इस टेंटिकल्स का फंक्शन हो जाएगा. ग्रेट रीजनरेशन पावर. रीजनरेशन पावर इसका क्या है, काफी ज्यादा है. रीजनरेशन पावर क्या हुआ, जैसे हमने इस हाइड्रा को बहुत सारे पीसेस में कट कर दिया, तो कट करने के बावजूद क्या हो जाएगा, इसका हर एक पोर्शन जो है वो एक हाइड्रा का फॉर्मेशन किया. जैसे अगर मैंने इस हाइड्रा को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसको, इसके चारों पार्ट जो है चार हाइड्रा का फॉर्मेशन करेंगे. रिप्रोडक्शन दोनों तरह से हो सकता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या हुआ, इससे पहले मैंने जहां से बताया था आपको डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल एंड हैप्लोइडिक, यानी स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक, तो इसमें दोनों जनरेशन पाया जाएगा, गैमेटोफाइटिक भी और स्पोरोफाइटिक भी. और अल्टरनेट पे एक बार स्पोरोफाइटिक फेज तो दूसरी बार गैमेटोफाइटिक, यानी रिप्रोडक्टिव फेज तो वेजिटेटिव फेज, ये दोनों अल्टरनेशन पे चलेंगे. इस वजह से इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होगा. एग्जाम्पल क्या क्या है, हाइड्रा
jellyfish, coral, etc. थर्ड फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा कैरेक्टरिस्टिक हमें मेन यहाँ पे टर्म्स को माइंड में रखना है, कैरेक्टरिस्टिक को क्या करना है, कोरिलेट करना है। सभी टर्म को मैं डिटेल कर चुकी हूँ। टीनोफोरा मैरिन होगा यानी समुद्र में पाया जाएगा, समुद्री होगा जहाँ नमकीन पानी वहाँ होगा, डिक्लोप्लास्टिक दो चरण लेयर का होगा, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट मीन्स कि वन ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मेल सेक्स भी और फीमेल सेक्स दोनों जेंट होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स कि जो फर्टिलाइजेशन होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होना, फ्यूजन होना, वो कहाँ पे होगा, एक्सटर्नली आउटसाइड दी बॉडी होगा, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा प्लूरोब्राचिया एंड टीनोप्लाइना। नेक्स्ट फाइलम प्लैटीहेल्मिंथस। प्लैटीहेल्मिंथस फ्लैट वॉर्म को कहते हैं। फ्लैट वॉर्म क्या हो गया, जो चिपटे वॉर्म है जिनमें क्या है, सिलिंड्रिकल फॉर्म नहीं है उनका, रिबन लाइक है या फिर लीफ लाइक है। तो लीफ को हम कैसे देखते हैं, चपटे हैं, सेम टाइप से ये वॉर्म भी कैसा होगा, चपटा होगा। तो शेप कैसा होगा इसका, लीफ के जैसा हो, रिबन के जैसा हो। बाइलेटरल सिमेट्री, अब यहाँ पे हम सिमेट्री समझते हैं कि सिमेट्री क्या है और उसको हम बाइलेटरल नहीं समझते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, एज फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसको हम सिर्फ इसी प्लेन से काटेंगे या फिर अदर भी प्लेन से काटेंगे तो ये क्या होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक से ज्यादा प्लेन में अगर हम इसको कट करते हैं तो भी ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे को हम बोलेंगे मल्टीसिमेट्री हो गया इसमें, लेकिन इसमें क्या है, बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब क्या होगा, सिर्फ एक ही, तो इसको हमने क्या कर दिया कि ये मल्टीपल साइड से क्या हो सकते हैं, कट हो सकते हैं इक्वल पार्ट्स में, इक्वल हाल्स में, तो इसको हमने बोल दिया रेडियल सिमेट्री। लेकिन यहाँ हमें क्या देखना है, बाइलेटरल। जैसे ह्यूमन है, हम लोग हैं, तो हम लोग क्या है, ऊपर से नीचे सिर्फ एक ही प्लेन हमें टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, तो हमारा सिमेट्री क्या हो गया, बाइलेटरल सिमेट्री। तो सेम टाइप से जो ये प्लैटीहेल्मिंथस है इसमें भी बाइलेटरल सिमेट्री ही प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स कि सिर्फ एक ही प्लेन से इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पे पाया जाएगा ऑर्गेन सिस्टम लेवल, यानी यहाँ से क्या होंगे, ऑर्गेन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे, एसीलोमेट होगा, बॉडी में कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी, बॉडी कैविटी एब्सेंट होगा। तो वैसे एनिमल को जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंस होती है उसे हम एसीलोमेट कहते हैं। इंडो पैरासाइट, पैरासाइट क्या हुए, जो किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड को लेकर। यहाँ पे मैंने लिखा इंडो पैरासाइट, इंडो मतलब हो गया किसी चीज के अंदर, यानी ऐसे पैरासाइट क्या है, होस्ट के अंदर रहेंगे, होस्ट के अंदर रहेंगे और वहां से वो न्यूट्रिशन भी लेंगे और वो उनका क्या होगा, हैबिटेट भी हो जाएगा। तो ये जो है प्लैटीहेल्मिंथस वो कैसा है, इंडो पैरासाइट है, कहने का मतलब ये होस्ट के अंदर भी जाएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ प्लैटीहेल्मिंथस दैट प्रेजेंस ऑफ फ्लेम से क्या है, इनमें एक्सक्रेशन के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन क्या है, फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है। फ्लेम सेल क्या करेंगे, एक्सक्रिएशन का काम करेंगे, जो भी उनके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड या फिर एक्सक्रिएटर प्रेजेंट है, वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, तो वो इसी के थ्रू क्या होगा, एक्सक्रिएट होगा, बाहर एक्सक्रिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल प्लैनेरिया टेनिया सोलियम। नेक्स्ट फाइलम इज एस्क्लेहेल्मिंथस विच इज ऑल्सो नोन एज नेमाटेहेल्मिंथस एंड दिस इज नोन एज राउंड वॉर्म बिकॉज ऑफ देयर शेप, द शेप ऑफ राउंड वॉर्म इज सिलिंड्रिकल। डिप्लोप्लास्टिक होंगे, तीनों चरण लेयर प्रेजेंट होगा, इक्टो इंटो एंड मेसोटर्म। बाइलेटरल सिमेट्री अभी मैंने बताया, अनसेगमेंटेड, कोई भी सेगमेंट नहीं पाया जाएगा। जैसे हम अर्थ वॉर्म को देखते हैं, केचुआ में क्या है, ऊपर से लाइनिंग लाइनिंग, यानी इसका बॉडी जो है वो एक्सटर्नली इंटरनली दोनों डिवाइड है, लेकिन इसमें कोई भी सेगमेंट नहीं पाया जाएगा, अनसेगमेंटेड होगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई ऑर्गेन नहीं है, यहाँ पे क्या है, टिश्यू ही, टिश्यू तक ही इसमें क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा। पैरासिटिक फॉर्म होंगे, पैरासिटिक फॉर्म में कहने का मतलब ये डिजीज कॉज करेंगे, जैसे कि एलिफेंटियसिस। एलिफेंटियसिस क्या होता है, जैसे कि पैर जो जिसमें सूजन आ जाता है, फाइलेरिया जिसको बोलते हैं, फाइलेरिया इसी फॉर्म की वजह से होगा। कुछ इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जैसे पेट में कीड़ा हो जाना, ये सभी क्या है, इस वॉर्म की वजह से ही होता है। सेक्स जो है इसमें सेपरेट होंगे, दैट मीन्स कि मेल और फीमेल जो होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे ह्यूमन में है, ह्यूमन
क्या है, मेल और फीमेल अलग अलग है। एग्जाम्पल एस्केरियसिस जिसको रॉन्ग वॉर्म भी कहते हैं एंड वाउचेरिया जिसको फाइलेरिया वॉर्म भी कहते हैं। यहाँ पे एस्केरियसिस ल्यूब्रिकेंट्स जो है वो कॉमन पैरासाइट जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है जिसकी वजह से डिजीज कॉज होता है।